Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adnan Khan and you are watching Students Academy YouTube channel. Inshallah, आज की इस वीडियो में हम Microsoft Excel में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से Microsoft Excel के अंदर formula को एक जगह से दूसरी जगह copy paste के जरिए ले सकते हैं, ले के जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें यह होगा कि अगर हम किसी एक शीट में फार्मूलाज को यूज़ करते हैं और हम एक फार्मूला को बार बार यूज़ करते हैं तो हम सिंपली उस फार्मूला को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला टाइप करने में टाइम भी वेस्ट होता है और अगर फार्मूला में किसी एक पॉइंट को मिस करें या रॉन्ग लिखे तो फार्मूला जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए फार्मूला को टाइप करने में जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हम फार्मूला को आसानी के साथ कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आसानी से मिल सके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम फार्मूला को टाइप करें और फिर उसी फार्मूला को किसी दूसरी जगह हम यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली हम उसको कॉपी पेस्ट के ज़रिए किस तरह ले जा सकते हैं, आपने सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मैंने एक सिंपल सा फार्मूला टोटल का पुट किया हुआ है और हमें ये फार्मूला चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको राइट क्लिक करके और कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आप सिंपली राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और फार्मूलास ओके ये करें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमें जो है 478 ये वैल्यू जो है प्लस करके दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वैल्यूज़ देते हैं और सिर्फ ये वैल्यूज़ ये प्लस करें और इसको छोड़ दें, तो ये किस तरह होगा। आपने सिंपली यहाँ क्लिक करके और ये ऊपर रेंज पे क्लिक कर देना है तो ये आपको शो कर देगा कि इसने कौन कौन से वैल्यूज़ को प्लस किया हुआ है। तो आपने सिंपली ये यहाँ से पकड़ कर और ये रेंज जो है कम कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक लानी है या जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक लाया और इसको एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें जो है 15 जो है ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इस फार्मूला को नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो है आंसर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम फार्मूला को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम हमारा जो है टाइम का भी बचत होगा और हमें जो है फार्मूला करेक्शन से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में अगर कोई भी मसला आ जाए, कोई किसी एक पॉइंट का भी मसला हो तो फिर फार्मूला सही तरह से फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए आप जो है फार्मूला को सिंपली कॉपी पेस्ट के ज़रिए लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरह से आप किसी भी फार्मूला को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इस एक फार्मूला को कॉपी पेस्ट किया। आप जो है आपके पास एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, जो भी फार्मूला है, आप सिंपली इस तरह से कॉपी करके और जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और फार्मूलाज सेलेक्ट करके ओके करें, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ रेंज सेलेक्ट कर देनी है कि आप ये फार्मूला कौन से रेंज के वैल्यूज़ के लिए लगाना चाहते हैं, वो रेंज सेलेक्ट करके और आप जो है फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं और आसानी के साथ आपका मेहनत जो है एक बार एक फार्मूला पर मेहनत करके वो फिर बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी पेस्ट के जरिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सकते हैं आप लोगों को रिप्लाई दें और आपके क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।